स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नाइन्थ पार्ट। देखिए इसमें क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करना है सेक ए माइनस कॉस ए और ए हमें प्रूव करना है 1/10 a प्लस कॉट ए के इक्वल। तो अब देखिए कैसे होगा, LHS और RHS को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन प्रूव कर देंगे। तो LHS इज इक्वल टू में कोसेक ए और साइन ए का रिलेशन क्या होता है, कोसेक ए किसके इक्वल होता है, 1/sin a। माइनस साइन ए और सेक ए का क्या होता है, 1/cos a माइनस कॉस ए। तो अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, तो LHS इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनका LCM ले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे एंड यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 ले लेंगे। तो साइन ए जो है यहाँ LCM लेकर आ गया हमारा, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम सिंपली ऐसे ही करेंगे तो हमारा LCM लेकर आ गया कॉस ए एंड इनका करेंगे तो कॉस ए माइनस क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ए नहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्योंकि कॉस ए से कॉस ए का डिवाइड हो गया तो 1 बचा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया एंड यहाँ पर क्या हुआ, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ हो गया तो कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो LHS इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल डिवाइड बाय साइन ए, इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल। अब मुझे लगता है ये आपको आइडेंटिटीज़ जो है अब तक लर्न हो गई होंगी क्योंकि यहाँ पर मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार आइडेंटिटीज़ जो आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 होता है। यहाँ से हमारी जो है साइन स्क्वायर ए की जो है वो कैसे निकली थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर पुट किया था एंड कॉस स्क्वायर ए जो है वो कैसे आया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पर ले गए थे, ऐसे आ गया यहाँ से। तो अब देखिए आगे कैसे होता है, तो अब यहाँ से कॉस ए से जो है कॉस ए कैंसिल आउट हो रहा है एंड साइन ए से साइन ए, तो LHS इज इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ पर क्या बचा कॉस ए एंड यहाँ पर क्या बचा साइन ए, तो ये आ गया कॉस ए साइन ए। तो LHS इज इक्वल टू में साइन ए कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो अब यहाँ तक हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा यहाँ से हो भी नहीं रहा सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, RHS को भी इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखिए RHS को कैसे करते हैं, RHS इज इक्वल टू में 1/ दे रखा है 10 a, 10 a को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए 1/sin a बाय cos a प्लस में कॉट ए को कैसे लिखते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। साइड में रिलेशन पे बता देता हूँ मैं, ऊपर जो है साइन ए का मतलब कोसेक ए का लिखा था एक, तो 1/sin a एंड सेक ए का लिखा था 1/cos a और टेन ए का क्या होता है, टेन ए का होता है साइन ए बाय कॉस ए और एक और बचा कॉट ए का, कॉट ए का क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए। ये आपको जो है लर्न करने हैं जब भी आपसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब देखिए RHS इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए और साइन ए क्या आ गया हमारा, LCM आ गया, तो इसको साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड करेंगे यहाँ पर इसको साइन ए कॉस ए को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए और साइन ए इंटू साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ऐसे सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने बताया भी है, देखिए लिख भी रखा है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे,
तो आर एच एस इज इक्वल टू में 1/1 हो गया यहाँ पर साइन ए कॉस ए कॉस ए। तो अब जो भी डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास आर एच एस में साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया, एल एच एस आर एच एस क्या आ गया इक्वल। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेंस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ होता है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।